हाय एवरीवन, मैं हूँ दिया और मैं आपको फिर वेलकम करती हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए। दैट इज़ वैल्यू ऑफ साइट वर्ड्स। आप इसकी इम्पॉर्टेंस धीरे धीरे समझेंगे। जी हाँ, साइट वर्ड्स क्या होते हैं? साइट वर्ड्स को बहुत सारे निकनेम दिए गए हैं, जैसे कि हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, स्टार वर्ड्स, कोर वर्ड्स, इवन पॉपकॉर्न वर्ड्स। पॉपकॉर्न वर्ड्स पता है आपको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पॉपअप होते हैं, एकदम से आते हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं या राइटिंग करते हैं। इनकी हम कोई पिक्चर फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही जल्दी मेमोराइज्ड भी हो जाते हैं। आप जानते हैं इन्हें साइट वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका गोल यही रहता है कि बच्चा इन्हें पहली ही साइट में समझ जाए। सेकेंड थिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट, साइट वर्ड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं बहुत ही ईजी और एक होते हैं ट्रिकी। कुछ साइट वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे से ईजिली बच्चे बोल पाते हैं क्योंकि वो रूल्स फोनिक्स का फॉलो करते हैं, जैसे कि इन, हैट एंड बैड। और वहीं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी वैसा साउंड नहीं करते जैसे उन्हें बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू एंड वॉज, इसे गेस किया जाता है एज टू और वॉज। सो ये ट्रिकी वर्ड्स होते हैं और इन्हें पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। कुछ टीचर्स कलर कोडेड टेक्निक यूज़ करते हैं, यानी कि दे यूज़ टू कलर्स, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन उन वर्ड्स के लिए या साइट वर्ड्स के लिए जो रूल फॉलो करते हैं स्पेल का, और ट्रिकी वर्ड्स के लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं, तो वो ईजी होता है। अब मैं आपके लिए कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स लाई हूँ ग्रेड वाइज। किंडरगार्टन में बी, बट, डू, हैव, ही, शी, दे, वॉज, वॉट, विथ, ये सारे सिंपल से बेसिक साइट वर्ड्स हैं। ग्रेड वन के लिए आफ्टर, अगेन, कुड, फ्रॉम, हैड, हर, हिज, ऑफ, देन एंड वैन। आप देखिएगा उनके पैराज में मैक्सिमम ये यूज होते हैं। सेकेंड ग्रेड के लिए ऑब्वियसली हायर लेवल, अराउंड, बिकॉज, बीन, बिफोर, डज, डोंट, गोज, राइट, विच एंड राइट। आई होप पेरेंट्स कैन रिकॉग्नाइज दिस एंड टीचर्स टू। थर्ड ग्रेड के लिए बैटर, कैरी, एट, लाफ, लाइट, माइसेल्फ, ओनली, ओन, शाल एंड टुगेदर, ऐसे बहुत सारे हैं, पर मैं बेसिक लेके आई हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो साइट वर्ड्स क्यों ज़रूरी होते हैं। सबसे पहली चीज़, साइट वर्ड से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से उसमें एक ऐसी एनर्जी आती है जो चैलेंजेस को फेस करती है रीडिंग के दौरान। एक और चीज़, साइट वर्ड्स की मदद से बच्चा सेंटेंस का मीनिंग समझता है। साइट वर्ड्स ही उन्हें डिकोडिंग स्ट्रेटेजी को हेल्प करते हैं अप्लाई करने में, यानी मीनिंग अंडरस्टैंड करने में। और साइट वर्ड्स हेल्प करते हैं एक बेस बनाने में जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है व्हाइल रीडिंग, चाहे वो वर्ड सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स वर्ड हो। इसीलिए साइट वर्ड्स आना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं ए टू जेड तक साइट वर्ड्स लाई हूँ जो बहुत ही ईजी हैं और श्योरली बच्चों को हेल्प करेंगे अच्छी रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए। सो स्टार्ट विथ ए, ए, एन, एट, आर, एस, एट, एंड, ऑल, अबाउट, आफ्टर। नाउ वी आर मूविंग टू बी, बी, by, but, been, see, can, could, called. Now we are moving to D, did, down, do, from E, each, F say, from, first, find, for. ऐसे ही हम आगे अल्फाबेट्स पकड़ते हैं, जैसे कि एच, ही, हिज, हैड, हाउ, हैज, हर, हैव, हिम, फिर आई से इन, आई, इफ, इनटू, इज, इट, इट्स। नेक्स्ट जे, जस्ट, के से नो, एल, लाइक, लॉन्ग, लिटिल, एम से माई, मेड, मे, मेक, मोर, मैनी, मोस्ट। आगे बढ़ते हैं एन,
नॉट नो नाउ ओल से और वन ऑफ आउट अदर ओवर ओनली ऑन पी से पीपल एस से सेड शी सम सो सी और हाँ देखते हैं टी से द टू दे दिस देयर देम देन दीज टू टाइम देन दैट देयर अप यूज ये यू से है और वी से वेरी अब डब्ल्यू से वॉज विथ वॉट वेयर वेन वी विच विल वुड What's, where, what, who, and why? Why say you and your? Let's become amazing young readers of tomorrow. और इसी के साथ मैं आपके लिए एक वीडियो और लाऊंगी to know the fake readers and real readers. ये जरूर आपकी parents की मदद करेगा और teachers की भी to know the reading skills. Thank you.